हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4.6 का 1 से लेके 3 तक सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र इक्वल एक्स वर्ष। अगर वर्तमान उम्र एक्स वर्ष है, क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब देखेंगे 3 वर्ष पूर्व यानी आज से जितना उम्र है उससे 3 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान का उम्र कितना हो जाएगा। आज अगर x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना था, x माइनस 3 वर्ष। उसके बाद आगे है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम होता ऑपोजिट बिलो 1/3 वर्ष। इसके आगे पॉइंट दिया है और अवश्य 5 वर्ष बाद, आज जितना उम्र है उससे ठीक 5 वर्ष बाद, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ये हो जाएगा x प्लस 5। आज अगर x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हुआ। के व्युत्क्रम का योग, अब इसका ना व्युत्क्रम लिखते हैं, व्युत्क्रम x प्लस 5 का व्युत्क्रम होता है 1/x+5, और ये उम्र जो है ना ये सब वर्ष में रहने वाला है, वर्ष लिखेंगे। अब कौन है, दोनों जो व्युत्क्रम हमने लिखा इसका योगफल 1/3 है, तो यहाँ लिखेंगे सो 1/x-3 + 1/x+5 = 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसका ना एलसीएम, तो एलसीएम बनेगा x-3 × x+5। जो सेम टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इसे इसमें डिवाइड करना है, तो एक जैसे जो टर्म होंगे ना वो गायब हो जाएंगे। यहाँ बचेगा x+5 से 1 में इंटू करेंगे तो x+5 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ सेम टर्म है x+5, इसे इसमें डिवाइड करेंगे, ये वाली टर्म बचेगी x-3 का 1 में इंटू करेंगे, x-3 ही रहेगा, और राइट में 1/3। अब यहाँ x और x दोनों प्लस में है, x और x दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2x, और ये हुआ 5-3 2 होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ इंटू करना है, मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म -3x+5 = 1/3, 2x+2 x का x में इंटू करेंगे x² और x का 5 में 5x, यहाँ माइनस है तो माइनस हुआ, 3 का x में 3x और -+-3 5 का 15 और राइट में 1/3। ऊपर का टर्म ऐसे ही रहेगा और नीचे यहाँ x² 5x-3x है, ये बनेगा 2x और -15, 5-3 2 हुआ
इक्वल हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 से इसमें और जितना वाली टर्म है ना इससे 1 में, तो 1 से इंटू करेंगे तो ये जितना है वही रह जाएगा 2x-5, और 3 से इसमें तो एक बार इंटू लिख लीजिए 2x+2, इसका इसमें इंटू लिखेंगे और इसका इसमें। लेफ्ट वाली टर्म है x²+2x-5 इक्वल, अब यहाँ आपको ब्रेकेट ऑफ करना होगा, तो 3 से 2 में 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6। अब राइट वाली टर्म को लेफ्ट में लाना है, तो पहले लेफ्ट का टर्म लिख लेते हैं x²+2x-5, इधर आएगा तो -6x और ये हो जाएगा -6=0। साइन अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है और यदि माइनस में है तो प्लस हो जाता है। x², अब देखेंगे ये दोनों लाइक टर्म 2-6 ये बनेगा -4x और 5 और 6 ये दोनों माइनस में है, ये हुआ 11=0। अब क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड विधि से फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको द्विघाती सूत्र से ही, तो a का वैल्यू 1 है और b का है -4 और c का है -11। इसके लिए पहले देख लेंगे इसका अस्तित्व होता है या नहीं होता है, इस तरह के क्वेश्चन में तो जनरली अस्तित्व होते ही हैं, आप अगर जांच नहीं करेंगे तो भी इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम भी इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी द्विघाती सूत्र है प्लस माइनस रूट अंडर b²-4ac/2 माइनस बी, ये बी का वैल्यू है, प्लस माइनस रूट अंडर b²-4a, ए का 1 है और c का -11, बाई में बनेगा 2 × a, तो ए वाली वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 16-4² और ये माइनस माइनस प्लस और 11 × 4 = 44/2, ये हो जाएगा 4+-√ ये दोनों को ऐड करेंगे 64 हो गया 10 × 0 = 1 41516/2। यहाँ 15 था, हमने इसको गलती से 5 लिखा, यहाँ 15 होना चाहिए, तो जहाँ 5 है वहाँ 15 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी रहेगा 15। x²-4x सही है, ये 15 है, ये बनेगा 15 × 6 = 21, तो a का 1 हुआ, b का -4 और c का बनेगा 21, तो यहाँ जहाँ c वाली वैल्यू है वहाँ 21 लिखना होगा, तो 4² = 16 हुआ, और यहाँ देख लेते हैं 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये बनेगा 84, अब 84+16 है, ये हो जाएगा 6410019 हुआ। अब आगे इसके बाद अब यहाँ x²=4+-100 है, 100² √10 होता है 10/2, अब लिखेंगे अल्फा वाली वैल्यू 4+10/2 ये बनेगा 14/2, ये दोनों ऐड हो जाएगा 7 से कट होगा, यहाँ होगा 7, एक वैल्यू भी 7। दूसरी बीटा देखते हैं, बीटा हो गया 4-10/2 ये बनेगा -6/2, 2 × 6 = 3 में कट होगा, ये हुआ -3 बीटा की वैल्यू, ये वाली ना आंसर नहीं होगा क्योंकि उम्र जो एज होता है वो निगेटिव नहीं होता है, एज पॉजिटिव होता है।
आपसे पूछा है उसकी वर्तमान उम्र, तो उसकी वर्तमान उम्र हमने x वर्ष माना था और इसकी जो वैल्यू आई है x इक्वल 7 ईयर्स, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ध्यान में रहेगा, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो यहाँ आपको एक क्लू दिया है, तो एक के क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो यहाँ पहले मानेंगे, माना कि शेफाली को टेस्ट में सब्जेक्ट मानिए गणित, टेस्ट में गणित का प्राप्तांक x, तो अगर टेस्ट में गणित में x मिलता है तो अब देखना है अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि इंग्लिश का और मैथ का दोनों का नंबर अगर स्कोर ऐड करते हैं तो 30 होता है, तो एक सब्जेक्ट में अगर x है तो दूसरा भी 30 माइनस x। आगे दिया है, यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से गणित का नया प्राप्तांक, ये हो जाएगा, पहले x मिला था अब इसमें है गणित में 2 अंक और बढ़ाना है, स्कोर 2 मार्क्स और बढ़ेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। वैसे ही अंग्रेजी का नया प्राप्तांक, अंग्रेजी में लिखा है 3 अंक कम मिलते, कम करना है तो यहाँ पे है 30 माइनस x, और चूंकि 3 अंक कम है तो 3 माइनस में जाएगा, इस सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 3 27 माइनस x। आगे कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल, यहाँ जो न्यू स्कोर मिला है इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना होता है 210, तो यहाँ लिखते हैं इनटू फॉर्म में x प्लस टी 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 210। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में इंटू करना है, फिर प्लस 2 27 माइनस ये हुआ 27x, एक्स का 27 और एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, 27 का 2 से इंटू करेंगे ये हो जाएगा 54, 27 जा 14 1, 22 जा 4 1 5, माइनस 2 का x में 2x इक्वल 210। स्क्वायर वाले टर्म पहले लिखते हैं और यहाँ पे है 27 और माइनस 2x, यानी इसमें से ना माइनस करना होगा, ये दोनों लाइक टर्म है तो 27 माइनस 2 ये बनेगा 25x, और ये है और तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब इसमें से ये वाली टर्म माइनस होगी तो ये 10 हुआ, 10 माइनस 4 6 हुआ, और यहाँ हुआ 20 माइनस 5 15, ये 0। अब इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर लीजिए तो माइनस साइन से ना दोनों साइड में इंटू करते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस इंटू किए हैं तो माइनस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं, तो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू है -25 और सी है 156। यहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी का वैल्यू है -25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, माइनस में -25 प्लस माइनस रूट अंडर -25 स्क्वायर माइनस 4 into a। ई का वैल्यू 1 है, 4 into a into c, सी है 156 बाई 2a 2 into 1। अब इसको सॉल्व करना, ये माइनस माइनस प्लस की प्लस माइनस रूट अंडर -25 का स्क्वायर, तो -25 into -25 वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में होगी और 25 25 6 25 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 625। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 156 का ना 4 में इंटू करना है, तो 4 6 24 पहली 2 हुआ, 4 5 20 over 2 22 और 4 1 4 2 6 बाई हो जाएगा 2 2 1 2। ये रहेगा 25 प्लस माइनस रूट अंडर 625 minus 624 1 होता है, बाई में 2। उसके बाद देखेंगे 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, बाई में 2। अब लिखेंगे अल्फा वाली वैल्यू, 25 प्लस 1 बाई 2 ये बनेगा 26 बाई 2 और 10। और बीटा वाली वैल्यू 25 माइनस 1 बाई 2 ये हो जाएगा 24 बाई 2, इट मीन्स 12। तो यहाँ से ना आपको दो आंसर निकल के आ रहे हैं, दोनों आंसर सही है, या तो 13 लिखेंगे या 12 लिखेंगे। सवाल में पूछा था उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और लिखना होगा। अगर x का वैल्यू आप 13 रखते हैं तो x क्या माने थे, गणित का अंक, तो यहाँ लिखेंगे गणित का अंक ये 13 है, ये आंसर बनेगा। तो अगर ये 13 रखते हैं तो इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश हो जाएगा 30 माइनस x, तो 30 माइनस x की वैल्यू है 13। ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 हुआ और 1 पहले हो चुका है, 2 माइनस 1 1, ये आंसर बनेगा। फिर यहाँ लिखेंगे यदि x इक्वल 12, तो x क्या माने हैं, गणित, तो गणित का अंक हो जाएगा 12, ये आंसर बनेगा। अगर गणित का 12 है तो अंग्रेजी का देख लीजिए, इंग्लिश का हो जाएगा 30 माइनस 2 है, तो 10 माइनस 2 8 हुआ 1, ये आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। यानी यहाँ एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में फील्ड है, ये आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा ये वाली टर्म बनेगी, x मीटर में लिखते हैं, ये इसका विकर्ण होगा, तो जितना छोटी भुजा है इससे 60 मीटर ज्यादा विकर्ण है, तो x प्लस 60 हुआ। यदि बड़ी भुजा
छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा ये वाली साइड है जो लेंथ होती है लंबाई होती है, ये हो जाएगा 30 मीटर अधिक, तो x में क्या ऐड करेंगे, x log 30। अब जानते हैं आयत की जो भुजाएं होती है आमने सामने की भुजाएं वो इक्वल होती हैं, ये x है तो ये भी x होगा, ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30 होगा। आपसे पूछा है खेत की भुजाएं, खेत की भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका फील्ड है तो आयत में दो ही भुजा होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना कि छोटी भुजा, यानी तो पूरा लिखिए माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा इक्वल x मीटर, डायमेंशन मीटर में है, मीटर में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा हो जाएगी जितना छोटी भुजा है उससे कितना ज़्यादा है 60 मीटर, नहीं बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसमें आपको 30 ऐड करना होगा, ये हुआ मीटर में। उसके बाद विकर्ण की बात है, ये आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, इसका विकर्ण भी लिख लेते हैं, तो विकर्ण होगा x प्लस 60, जितनी छोटी भुजा है उससे 60 मीटर ज़्यादा उसका विकर्ण है, तो इस तरीके से आप फिगर से भी समझ सकते हैं। अब आपसे भुजा पूछा है, तो यहाँ देखेंगे यह जो है ना ये त्रिभुज बनेगा और ये बनेगा संपूर्ण त्रिभुज, और संपूर्ण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस का प्रमेय, उसमें उन्होंने बताया है कि संपूर्ण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में, फिगर से देख सकते हैं कर्ण AC है, तो AC² इक्वल AD² प्लस DC² या ऐसे भी समझ सकते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसमें कर्ण है x प्लस 60, इसका स्क्वायर लिखेंगे, लंब है x x स्क्वायर, आधार है x प्लस 30। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हुआ x स्क्वायर प्लस 60² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 60 इक्वल x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ भी a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हुआ x स्क्वायर प्लस 30² प्लस 2 इंटू x इंटू 30, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 60² हो जाएगा 3600 प्लस, यहाँ इंटू करेंगे 60 × 120 120 एक्स, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस 30² 900 प्लस ये भी इंटू होगा 30 × 60 एक्स। और यहाँ देखेंगे सेम टर्म है दोनों साइड में LHS में और RHS में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल होगा, ये बनेगा प्लस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब ये वाली टर्म को पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और इसको बाद में, अगर टोटल टर्म एक साइड में लिखते हैं तो वहाँ साइन चेंज नहीं होती है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये आगे इधर तो माइनस होगा 120x प्लस 900 माइनस 3600, ये बनेगा एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है 60x माइनस, तो 60 माइनस 120 और यहाँ 900 माइनस 3600, ये अगर माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2700 और 60 − 9 7 हुआ और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं,
इसके बाद यहाँ से ए वाली वैल्यू, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू -60 और सी बनेगा -27/0। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -b ± √(b²-4ac/2a)। इसके बाद जिसका जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, -b है -60 ±√(-60²-4)(a)(c)/2a, 2a, ±+(60²)(66600)-+ और इसमें 4 से इंटू है तो 0 होगा, 0 होगा, 400 और 4 का 7 है, 4 7 28, कैरी 2 हुआ, 4 2 8 और 2 10 / 2, ये बनेगा 60±, अब इसको ऐड करना, तो 0 0 0 हुआ, 0 0 0 हुआ, 8 6 14, 4 हुआ कैरी 1 और 1 और 3 4 हुआ और लास्ट 1 / 2। इसके बाद अब यहाँ 60±, इसका ना स्क्वायर रूट, तो 144 का 12 होता है आप लोग जानते हैं, और इंटू 100 अगर लिखते हैं, 00 है तो सिंगल 0 होगा, तो 144 00, इसका स्क्वायर रूट होगा 120 और 2। अब लिखेंगे अल्प वाली वैल्यू, 60+120/2, 120 60 बनेगा 180/2, कट होगा, ये होगा 90, एक वैल्यू 90 हो गई। और दूसरी वैल्यू बीटा, ये बनेगा 60-120/2, ये होगा -60/2, कट होगा -30, ये बीटा की वैल्यू, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये वाला आंसर नहीं बनेगा क्योंकि साइड की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, ये आंसर बनेगा। इसमें आपसे पूछा था खेत की भुजाएं, तो खेत की भुजा के लिए यहाँ लिख देंगे लंबाई x था, लंबाई चौड़ाई था x, यहाँ लिख देंगे लंबाई x इक्वल 90 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई कितना आया था, x प्लस 30, x का वैल्यू 90 है, 90+30 ऐड करेंगे 120 मीटर। इस तरीके से ये दोनों आंसर होंगे, इस तरीके से एक्सरसाइज ये कम्प्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा।